हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मेरिडियन ओवरसीज। आज हम बात करेंगे यूरोपियन एजुकेशन के बारे में और साथ में कहाँ स्कॉलरशिप्स आपको मिल सकती है और कहाँ पे आप 100% स्कॉलरशिप में अपनी एप्लीकेशंस कर सकते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ फ्रेंड्स की, जब यूरोप की बात आती है तो सबसे टॉप पे आता है जर्मनी, जो कि स्टूडेंट्स सबसे ज़्यादा प्रेफर करते हैं, जहाँ पे जनवरी और सेप्टेम्बर दोनों इनटेक्स ओपन रहते हैं और जिनकी एप्लीकेशंस अभी स्टार्ट हो चुकी है। जर्मन यूनिवर्सिटीज़ ने एप्लीकेशंस लेना स्टार्ट कर दिया है। तो जर्मनी अगर आप चूज़ करते हैं तो जर्मनी के अंदर मोड ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है MOI लेटर, जिसको हम कहते हैं, उसके ऊपर आपका एडमिशन हो जाता है। आपको IELTS मैंडेटरी नहीं है और प्रोग्राम्स कुछ आपको इंग्लिश लैंग्वेज में भी मिलते हैं और साथ में कुछ जर्मन लैंग्वेज में भी मिलते हैं, लेकिन ज़्यादातर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स इंग्लिश टॉट प्रोग्राम्स ही पसंद करते हैं। तो उसके लिए एप्लीकेशंस आप करवा सकते हैं। जर्मनी अभी ओपन है, सितंबर 2022 इनटेक अभी ओपन हो चुका है। इसके अलावा नंबर टू पे आता है फ्रेंड्स इटली। इटली के अंदर करीब करीब सारी यूनिवर्सिटीज़ गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं और जहाँ तक बात है एडमिशंस का, तो एडमिशंस अभी ओपन हो चुके हैं और 100% तक आपको इसमें स्कॉलरशिप्स मिलती है। जर्मनी और इटली दोनों के अंदर आपको करीब करीब 10 लाख रुपीज़ सेविंग अकाउंट में आपके शो करने होते हैं, जो कि मैंडेटरी है आपके वीज़ा पर्पज़ के हिसाब से। आपका शो मनी या मेंटेनेंस फंड जिसको हम बोलते हैं, उसके लिए दोनों ही कंट्रीज़ में आपको शो करना रहता है। दोनों कंट्रीज़ का प्रोसेस काफ़ी लेंदी रहता है, इसलिए आपको टाइमली एप्लीकेशन करना बहुत ज़रूरी है इन दोनों कंट्रीज़ में। और थर्ड कंट्री की जहाँ तक हम बात करें वो है माल्टा। माल्टा के अंदर फ्रेंड्स आपको इजीली PR मिलना बहुत इजी रहता है, परमानेंट रेजिडेंसी आपको मिलना जर्मनी, इटली और माल्टा तीनों ही कंट्रीज़ के अंदर परमानेंट रेजिडेंसी का इशू नहीं रहता, जैसे कि स्टूडेंट्स कैनेडा प्रेफर करते हैं अगर बजट उनका काफ़ी ज़्यादा होता है। लेकिन अगर बजट फ्रेंडली कंट्रीज़ में आप देख रहे हैं तो तीनों ही कंट्रीज़ में आपका सेटलमेंट इजीली हो जाता है। माल्टा में भी एप्लीकेशन ओपन है। माल्टा में तो आप अगर 1 ईयर का कोर्स करते हैं तो आपकी PR 100% रहती है, आपको परमानेंट रेजिडेंसी में माल्टा में मिलती ही मिलती है। तो ये तीन कंट्रीज़ हैं जिनमें से आप चूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा फ्री फ्लाइट प्रोग्राम हमारा भी ओपन है। अगर आप किसी भी कंट्री में ओवरसीज एजुकेशन प्रेफर कर रहे हैं तो आप www.meridian.org पर जाइए, अपना फ्री फ्लाइट का फॉर्म फिल करिए और आपके पास चांस है कि आप फ्री फ्लाइट जीत सकें इन, जब आप ट्रेवल कर रहे हैं जनवरी इनटेक के अंदर। ये जो प्रोग्राम है फ्रेंड्स, ये सिर्फ अभी जनवरी इनटेक के लिए है, उसमें जाके आप अपनी एप्लीकेशन कर सकते हैं। कंडीशनल अनकंडीशनल किसी भी तरीके का एक्सेप्टेंस ऑफ एडमिशन आपको वहाँ पे अपलोड करना है फॉर्म के अंदर। अपना लेटर जो भी यूनिवर्सिटी से आपके पास आ रखा है उसको आप अपलोड कीजिए और आप फ्री फ्लाइट के लिए एलिजिबल हैं। ऐसे ही कंटिन्यूस वीडियोस आपको मिलते रहे, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। थैंक यू सो मच एंड सी इन द नेक्स्ट वीडियो फ्रेंड्स। अगर आप टॉप काउंसलर से कनेक्ट करना चाहते हैं, लाइव अपनी काउंसलिंग चाहते हैं, तो आप डायरेक्टली वेबसाइट पर जा सकते हैं। अपने किसी भी काउंसलर के साथ आप डायरेक्टली एप्लीकेशन करवा सकते हैं, वीज़ा फाइल सबमिशन करवा सकते हैं। तो वेबसाइट विजिट करें और अपना रजिस्ट्रेशन करें ताकि आपकी सारी प्रोसेस स्मूथ रहे।